हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत मेरे चैनल पर। जैसा कि हर एक नए टॉपिक से आता हूँ, तो बहुत दिन के बाद मैं रैबिट्स के ऊपर अपडेट लेके आया हूँ। बहुत दिनों से पेंडिंग था अपडेट। सब लोग पूछ रहे थे भाई आपका रैबिट्स कहाँ गए, खा गए क्या। सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हम लोग इसको खाते नहीं है, ये गलत है यार, कोई भी ऐसा कौन पूछ सकता है। और तो दूसरी बात यह है कि मैं अपडेट क्यों नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है, कॉन्टेंट इतना ज़्यादा रहता है, क्योंकि मैं सिर्फ घर के वीडियो के साथ साथ बाहर के जो विजिटिंग स्टोर्स की वीडियो डालता हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा कम टाइम मिलता है। और पहले भी मैंने कहा था कि रैबिट्स के ऊपर मेरे चैनल पर कम ही अपडेट्स आएंगे, क्योंकि ये रैबिट्स के जो चैनल के ऊपर ज़्यादा फिशेस के ऊपर ही मैं फोकस करना चाहता हूँ। तो बहरहाल बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा जो दूसरा चैनल है एजेस एक्सोटिक्स, उसके ऊपर वीडियो डालने की कोशिश करूँगा रेगुलरली। तो अभी फिलहाल यहाँ पर मेरे पास चार हैं, ये दो पेरेंट्स हैं जो पहली बार हमने वीडियो कराया था, उसके बच्चे ये दो हैं। और इसने ये फीमेल है, अभी ये गंदी है। आपको लग रहा होगा गंदे क्यों हो चुके हैं, अभी तो बारिश का मौसम हो रहा है। मैं उसको बाहर जो जाली है यहाँ पर इस तरह रखता हूँ, जिसमें जब बारिश होता है हम उसके ऊपर उड़ा देते हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, बहुत ही जितना आप इनके ऊपर टाइम स्पेंड करें उतना कम है, ज़्यादा केयर करना पड़ता है। अभी देखिए ये फीमेल है और ये मेल है, इसके ये फर्स्ट बैच के बच्चे हैं। उसके दूसरे बैच के बच्चे अभी मैं तीन दिन हो चुके हैं ब्रीड करके, मैं दिखाऊंगा। पहले ही कह देता हूं, मैं जो भी मेरे पास एनिमल्स होते हैं मैं अपने पास रखता नहीं हूं, जब मेरे पास एक्सेस हो जाता है तो मैं किसी न किसी को दे देता हूं। और अभी ये बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे भाई मुझे गिवे अवे दे दो, अभी कोई पंजाब से कहेगा कि मुझे दे दो, दिल्ली से कोई मैसेज करेंगे मुझे गिवे अवे कर दो। भाई लाइव एनिमल ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल है, पहले आसान होता था लेकिन अभी बहुत मुश्किल है। पहले क्या तुरंत भेज देते, लेकिन अभी इतने टफ रूल्स आ चुके हैं रेलवे डिपार्टमेंट के कि एनिमल ट्रांसफ़र करना बहुत मुश्किल होता है। अभी मैंने रिसेंटली एक टर्टल्स का गिवे अवे किया था, दोनों लोगों को देना बाकी है, लेकिन 6 महीने हो चुके हैं उनको दे नहीं पा रहा हूँ, कहीं टर्टल अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल है तो कॉस्ट ज़्यादा है, फिर भी ले लिया तो ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए प्लीज़ कोई मैसेज मत करो, मैं किसी को आपको दे नहीं सकता, अगर नियरेस्ट हैं तो अलग बात है, तो बहरहाल वो तो अलग सीन है। तो आज का ये जो है अपडेट है ये रैबिट्स का है। तो अभी मेरे पास देखिए यहाँ पर मैं जैसा भी कहा ये दोनों फर्स्ट टाइम में दो लेके आया था, तीन में एक ब्लैक लेके आया बोल रहा था, लेकिन मैंने इसको निकाल दिया, सिर्फ दो ही रखा, क्योंकि घर में रखना मुश्किल हो रहा है, इनको केयर करना, फिशर्स को भी देखना, हर चीज़ को भी देखना, तो इसलिए हमने दो रखा था। फिर दोनों ब्रीड करके 6-7 बच्चे दिए थे, लास्ट टाइम हम 4 बच्चे कवर किए, 4 में 2 बचे हुए हैं, उनमें 2 में से मैंने एक मेरी बहन को दे दिया था और एक मेरा फ्रेंड है उसको दे दिया था। अभी ये फिर दोबारा फीमेल ने अंडे बच्चे लेके हैं, मैं बच्चे दिखाता हूँ। ये बहुत ही फैमिलियर है मेरे साथ, बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं। मैं अपना मोस्ट ऑफ टाइम जब मैं घर पे रहता हूँ तो ज़्यादा टाइम अपने फिशेस के साथ इनके साथ ही बिताता हूँ, तो इस वजह से मेरे पास फ्रेंडली है ये। और इनके बच्चे यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह अलग रखा हुआ है, इसके 3 दिन के बच्चे, एक्चुअली 8 बच्चे दिए थे इसने यहाँ पर रैबिट्स ने, लेकिन अभी ये 4 मर चुके हैं, अभी 4 बचे हैं। देखिए ये वाले, ये 3 दिन का बच्चा है, इसको अलग रखा है हमने, 4 एक्चुअली 8 दिए थे, 8 में अभी बारिश का मौसम आपको पता है, ये जब इसके साथ में छोड़े थे हम लोग पेरेंट जो है इसको अपने पैर के नीचे दबा कर 2 मर गए थे, 2 ऐसे सर्दी की वजह से मर गए थे। अभी 4 है, मैं इसको अलग रखता हूँ। मॉर्निंग में और इवनिंग में क्या करते हैं हम पेरेंट्स के साथ रखते हैं, उसकी माँ के साथ रखते हैं 1 घंटे के लिए, जब वो दूध पिला देती है तो फिर दोबारा हम निकाल के इसकी तरह रख के इस बॉक्स में बंद करके अंदर रख देते हैं। ये सेफ्टी होता है, ये सही रीज़न होता है, ये सही कारण होता है। पहली बार हमने जब हमने उतना एक्सपीरियंस नहीं था, जब पहली बार हमने इसको साथ में रखा तो तकरीबन 7 या 8 बच्चे साथ ही थी, उसमें 7 में 3 ऐसा ही उसके पैरों के नीचे आकर मर गए थे, जिसके बाद में हमने क्या किया, डिसाइड किया कि अलग रखते हैं। अभी हर सुबह में एक बार हम 8-9 बजे कुछ माँ के साथ मिलाते हैं, दोपहर में 1-3-4 बजे माँ के साथ मिलाते हैं, अभी शाम में 8-9 बजे एक बार माँ के साथ मिलाते हैं, वो बच्चों को फीडिंग देती है। अभी उसको हम कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाते, वरना मैं आपको कैमरे में कैप्चर कर दिखाता, क्योंकि वो जब कैमरा या कोई सामने होता है तो शाही होते हैं, वो रिएक्ट थोड़ा अलग करते हैं, इसलिए वो दिखा नहीं पाऊंगा। इन फ्यूचर कोशिश करूंगा आपको दिखाने की। तो यहाँ पर देखिए अभी 4 है, यहाँ पर देखिए इस तरह छोटे होते हैं, ये 3 दिन के बेबी से, अभी इनकी आँखें तक खुली नहीं हुई है। ये इसकी फीमेल है, यहाँ पर देखिए इसकी मदर है यहाँ पर जो देख रही है, ये इसको दूध पिलाते हैं हम लोग साथ में। तो 3 दिन के हैं, अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 दिन तक हम इसको अलग रखते हैं। जब 15 से 20 दिन तक हो जाते हैं, जब ये खाने पीने के लायक हो जाते हैं तो साथ में मिल जाते हैं। तो अभी भी थोड़ा बहुत हमको भी एक्सपीरियंस हो रहा है, पहले इतना एक्सपीरियंस नहीं था, जब हम इसको रख के ब्रीड करवा रहे हैं, इसके साथ में रख रहे हैं, तो हमको भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ रहा है। तो आज का अपडेट यही सिंपल है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपके रैबिट्स क्या हुए, कहाँ गए, तो भाई यही है, देख लो जो भी रैबिट्स हैं मेरे पास, यहाँ पर 2 हैं। तो देखिए यहाँ पर ये खेल रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, ऐसे ही घर पर घूमते रहते हैं। हम इनको खायत कम करते हैं, केजेस में ज़्यादा रखते नहीं है, जो नॉर्मल टाइम पर ज़्यादा नीचे ही घूमते रहते हैं। तो अभी इनके लिए ऊपर मैं अलग पॉन्ड के बाजू अलग जगह बनाने की सोच रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद इनके लिए अलग घर बना दूंगा तो और भी अच्छा रहेगा।
तो बात आज का टॉपिक यही है। आई होप वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ये बेबीज़ कैसे लगे आपको बताना, शायद आप पहली बार देख रहे होंगे। 3 दिन के बेबीज़ रैबिट्स के, 8 में 4 बचे हुए हैं अभी। इनकी आंखें भी नहीं आई हैं, 3 दिन कैसे लगते हैं, एकदम चूहे टेप लग रहे हैं, लेकिन ये रैबिट्स हैं। अभी भी मदर का दूध पिलाने का टाइम आ चुका है। अभी हम साथ में मिला नहीं सकते क्योंकि वो कैमरे में देखकर या लोगों को देखकर शाई होते हैं तो फीड दे नहीं पाते हैं, तो इनको ऐसा ही छोड़ना पड़ेगा, वरना मैं आपको वीडियो में दिखाता। तो बस आज का टॉपिक यही है। और इसको फीडिंग के बारे में अगर पूछना चाहते हैं, आप क्या फीड करना चाहते हैं, तो मोस्ट ऑफ ऑल हम इसको जो भी वेजेस होती है वो वेजेस देते हैं, और जो हरिया चारा होता है उसको देते हैं, और पैलेट्स भी जो मार्केट में मिलता है वो 300 रुपये पर किलो मिलता है, वो जो उसके अलग से प्लेट्स आते हैं। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हैमस्टर्स को रैबिट्स को क्या फीड करते हैं वेजिस के अलावा। तो यहाँ पर मैंने अपने रैबिट्स के लिए 1 किलो ले लिया है। इस तरह के पैलेट्स हम फीड कर सकते हैं, रैबिट्स को हो या हैमस्टर्स को हो, कोई भी बड़े जो उनको दे सकते हैं, वो आराम से खाएंगे इजीली और बहुत ही अच्छी तरीके से मज़े से खाते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, होलसेल में मिल जाएगा, रिटेल में मिल जाएगा। जो अलग से पैलेट्स आते हैं वो लाकर उसको फीड कर देते हैं। तो इस तरह रूटीन होता है। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे मैसेज भी पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में ज़रूर बता दूंगा। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है, व्हाट टू फीड योर टर्टल्स करके, तो उसको मैं आप जाकर देख लेना। तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे हाउ टू केयर बेबी रैबिट्स करके। अगर आपका डिमांड हो तो हम ज़रूर बनाएंगे, आप कमेंट में जो भी बता देना। तो आज का सिंपल टॉपिक था, मेरे रैबिट्स कहाँ गए और कैसे हैं सिचुएशन में, तो ये भी बता दिया। और बार बार मैं इसका अपडेट नहीं दे पाऊँगा, जैसा पहले भी कह रहा हूँ, हर 3-4 दिन में इस तरह रैबिट तो मैं अपडेट नहीं दे सकता। 3 महीना एटलीस्ट, 3 महीने में एक बार मैं अपडेट दे सकता हूँ, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं रहता है। तो बस आज का टॉपिक यही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर एक टॉपिक से मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।